नाजरीन, मैं एडवोकेट हारून रांझा, लीगल एडवाइजर CTS, आज CTS के ऑफिस में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं हिना, नेहा और महरू। ये वो तीन बच्चियां हैं जिनको उज्मा, मदीहा और लारेब नामी औरतों ने जो है वो अपने घर में ज़बरदस्ती रखा हुआ था और इनसे वो जबरी मुशक्कत ले रही थी और इनके माँ बाप इंतहाई परेशान थे क्योंकि जब ये मुलाकात का गए थे तो ना वो इनसे बात करवाते और ना इनकी मुलाकात करवाते। और जब इन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां जो हैं आप हमारे हवाले कर दें तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 5 लाख रुपए इन बच्चियों के इवज दे देंगे तो हम आपकी बच्चियों को आपके हवाले कर देंगे। ये इंतहाई परेशान थे और इन्होंने जब CTS के ऑफिस में आए और हमसे ये बात की कि हमारा ये मामला है और हमारी बच्चियां हमें वापस चाहिए, ना तो हमने इनके किसी किस्म के कोई पैसे देने हैं ना कोई हमारा लेन देन है, लेकिन हमने ये बहुत कोशिश की है कि हमारी बच्चियां वापस हो जाएं लेकिन वो हमें वापस नहीं कर रहे। हमने इनको पुलिस स्टेशन में भेजा, एक दरख्वास्त लिख कर दी कि आप जाएं पुलिस स्टेशन में ये दरख्वास्त दें ताकि आपकी बच्चियों को बरामद करें, लेकिन पुलिस वालों ने भी इनकी कोई बात ना सुनी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में इनकी पटिशन जो है वो फाइल कर दी और आज जब इन बच्चियों को बदरिया पुलिस जो है वो रिकवर किया गया तो इन बच्चियों ने अपना बयान दिया है कि इन तीनों औरतों ने इनको जबरी तौर पर जो है वो बंदी बनाकर रखा हुआ था और इनसे जबरी मुशक्कत ले रही थी। आज कोर्ट ने इनका बयान सुन के इनको जो है वो फ्री करवाया है, आज़ाद करवाया है। आज ये बच्चियां जो है हमारे साथ मौजूद है और ये आज जो केस था वो जस्टिस शकील अहमद साहब की कोर्ट में लगा हुआ था तो जिसकी बाकायदा तौर पर सुनवाई हुई और बाद में इन बच्चियों को जो है इनके माँ बाप के हवाले किया गया।